हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के बारे में। आप सभी स्टूडेंट्स को पता है आप लोगों के एग्जामिनेशन अब तक नहीं हुए हैं, आपके एग्जामिनेशन पोस्टपोन हुई है, लेकिन अब तक आपको ये भी नहीं पता कि एग्जामिनेशन होने वाली है या नहीं होने वाली है। तो सर, इसका क्लैरिफिकेशन कब हो सकता है, पहला चीज। दूसरा, क्या 10th की एग्जामिनेशन जिस तरीके से कैंसिल हुई है, 12th की एग्जामिनेशन भी कैंसिल की जा सकती है क्या? ये दूसरा इम्पॉर्टेंट कंसर्न। तीसरा, आप सभी को पता है NTA ने अपनी मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन जो मई मंथ में थी उसको पोस्टपोन कर दिया। जैसे नेट की एग्जामिनेशन हो गई, JEE की एग्जामिनेशन हो गई, उसको उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। CA की IPCC और फाइनल की एग्जामिनेशन मई मंथ की पोस्टपोन कर दी गई है। उसी के साथ साथ जो CS के एग्जामिनेशन होती है उनको ऑप्ट आउट का ऑप्शन दे दिया गया है कि आप अगर आप ये पैंडमिक के सिचुएशन में आप अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन घर बैठे बैठे अटेंड नहीं कर सकते, इफ़ यू डोंट हैव अ रिसोर्सेज विथ यू, तो आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं, आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो फीस को एडजस्ट कर दिया जा सकता है। तो इसका मतलब है जो कंसर्न अथॉरिटीज है उन सभी ने डिसीजन लिया है कि भाई मई मंथ में एग्जामिनेशन लेना इज नॉट पॉसिबल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की तरफ से वर्षा गायकवाड़ मैडम ने 10th स्टैंडर्ड के एग्जामिनेशन को कर दिया कैंसिल। अच्छा, आपने कैंसिल तो कर दिया, लेकिन आप उनका रिजल्ट किस बेसिस पर बनाओगे इसके बारे में आपका क्वेश्चन मार्क है, जिस पर आप बहुत ज्यादा एफर्ट ले रहे हैं लगातार, और आपने बहुत सारे कंसर्न अथॉरिटीज के साथ, महाराष्ट्र बोर्ड ऑफिशियल्स के साथ, साथ ही साथ बहुत प्रिंसिपलों से इन कंसल्टेशन करने के बाद भी अभी तक आपका कोई कंक्लूजन नहीं निकला है। तो पहला चीज तो आप 10th में ही फंसे हुए हैं। दूसरा, क्या 12th स्टैंडर्ड वाले बच्चों के बारे में आप कंसर्न नहीं कर सकते? क्या आपका एजुकेशन सिस्टम और आप जिस सिस्टम का एक हिस्सा है क्या वो इतना वीक है, इंटेलेक्चुअल्स के पास उतना थॉट प्रोसेस नहीं है क्या कि वो CBSE की कदम से पहले अपना कदम ना उठा सके? मतलब आपके स्टेट में पैंडेमिक की सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन पे जा रही है, आपके इंटेलेक्चुअल सिस्टम का हिस्सा है, और उसके बाद भी आप इंतजार कर रहे हैं कि CBSE जो डिसीजन लेगा उसके रिगार्डिंग में हम भी डिसीजन लेंगे। तो मैडम, यहाँ पर आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम गवर्नमेंट चला रहे हैं, हम एक एजुकेशन सिस्टम को चला रहे हैं, और इस एजुकेशन सिस्टम में अगर आपके डिसीजन लेने पर क्लैरिटी नहीं है तो यह आपके कार्य क्षमता पर सवालिया निशान पैदा कर सकता है। मैडम, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है इस पैंडेमिक के सिचुएशन में कि बच्चों की सेफ्टी और को ध्यान में रखते हुए, टीचर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आपने एग्जामिनेशन कैंसिल किया, लेकिन उस डिसीजन के बाद इतना सोचना पड़ रहा है, मतलब भाई कुछ तो गड़बड़ है। दूसरा, जरूरी नहीं कि इनिशिएटिव हमेशा CBSE ले, कभी कभी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए। अगर CBSE ने एग्जामिनेशन पहले कैंसिल की, उसको देखा देखी में सारे स्टेट कैंसिल कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट वो इनिशिएटिव ले सकती थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अभी भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास ये एक अथॉरिटी है, दूसरी उनके पास ये जिम्मेदारी है, तीसरा उनके पास वो ऑब्जर्वेशन है, उनके पास वो डेटा अवेलेबल है, स्टैटिस्टिकल डेटा अवेलेबल है कि केसेस को देखते हुए, उनके पास वो टीम अवेलेबल है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक ब्रिलियंट टीम अवेलेबल है जिनका खुद का इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, उनका खुद का इंटेलिजेंस है, उनसे कंसल्ट कर वो 12th स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग में भी डिसीजन ले सकते हैं, वो भी CBSE से पहले। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा। तो आप सभी 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट से मेरी गुजारिश है कि ये वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, ताकि ये सिस्टम तक जाना चाहिए कि नहीं, हमें एक कॉल लेने की जरूरत है, हमें एक इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, जहां पर हम 12th स्टैंडर्ड को एटलीस्ट क्लैरिटी तो दे कि वो पढ़ाई करे या ना करे। बच्चा 1.5 महीना पढ़ाई करने के बाद अगर उसके एग्जामिनेशन को आप कैंसिल करते हो तो उसका कोई यूज रहता नहीं है। दूसरा, अगर आप एग्जामिनेशन लेने वाले हो तो कैसे लेने वाले हो, कब लेने वाले हो? अगर आप एग्जामिनेशन में इंटरनल इवैल्यूएशन को अहमियत देने वाले हो तो उसकी क्लैरिटी आपको जल्द से जल्द देनी होगी, अदरवाइज बच्चे बहुत ही इमेंस
बट प्रेशर में है, बहुत ज्यादा टेंशन में है, उनका कंसंट्रेशन लग नहीं पा रहा है, वो जिस प्रायोरिटी पे बेसिस पर एग्जामिनेशन को प्रायोरिटी दे रहे थे, प्राथमिकता दे रहे थे, उनके आसपास का वातावरण उसको हैंडल करने की सिचुएशन नहीं दे रहा, क्योंकि उनके घर में किसी को कोविड हुआ है, उनके नेबर में किसी को कोविड हुआ है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट और एजुकेशन मिनिस्टर से दरख्वास्त है सारे स्टूडेंट और टीचर कम्युनिटी के बिहाव से, जो वैलिड डिसीजन, जो अच्छा डिसीजन आपने 10th स्टैंडर्ड के लिया, वो डिसीजन आप कैरी फॉरवर्ड करें। दूसरा, अगर आपको लगता है कि 12th से रिलेटेड कुछ 19-20 होने के चांसेस है, तो एटलीस्ट आप बच्चों को फेस कीजिए और उनको अपना अनाउंसमेंट कीजिए कि भाई हम आपके बारे में ये अथॉरिटी सोच रहे हैं, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हमारे इतनी मीटिंग्स हो रही है, अब तक आपने 12th के बारे में कोई डिसीजन नहीं लिया है। तो 12th के बारे में आपको जल्द से जल्द क्लैरिटी देनी होगी मैम, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है और हमें पता है आपने बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा भी है, और जो चीज़ें आप कर रहे हो वो किसी भी कोविड वॉरियर से कम नहीं है, क्योंकि आपने उस सिचुएशन को प्रॉपर तरीके से हैंडल किया है, बच्चों के सारे क्वेश्चंस को आपने प्रॉपर तरीके से हैंडल किया है। तो मैं नहीं चाहता कि 12th के बच्चे भी आपके कार्य पद्धति पर क्वेश्चन उठाए, ना ही कोई टीचर्स, हम यही चाहते हैं कि आप 12th स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग में भी जल्द से जल्द डिसीजन लाए, और वो फेवरेबल डिसीजन होना चाहिए। हमें महाराष्ट्र राज्य को एक एग्जाम्पल सेट करना है कि हम जो डिसीजन लेके शायद उसको CBSE फॉलो कर सकता है, ना कि CBSE के लिए गए डिसीजन को स्टेट गवर्नमेंट फॉलो करे। ये तो वही हो गया ना, भेड़ चाल की नौबत नहीं आनी चाहिए मैम। बस आप लोगों से दरख्वास्त है कि भाई आप लोग जब तक प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं आता तब तक स्टडी करते रहो। मालूम है थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है, लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि हम ही आगे जाने वाले हैं और हम ही आगे अपने फ्यूचर को ब्राइट करने वाले हैं। इसी दरख्वास्त के साथ मैं आपको से गुजारिश करता हूँ कि आने वाले टाइम में महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट आता है 12th से रिगार्डिंग में, तो मैं आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश करूंगा, और सारे ऑफिशियल से दरख्वास्त करता हूँ कि 12th से रिगार्डिंग में जल्द से जल्द आप डिसीजन ले लें। इसी उम्मीद के साथ करता हूं वीडियो का समाप्त, मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।